हम में से कई लोगों को अकेले रहना पसंद है, लेकिन अगर आपको कोई यह कह दे कि 438 दिन एक ओशियन में गुजारने हैं, तो जरा सोचिए आप क्या करेंगे। आज मैं आपको सल्वाडोर अलवरंगा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह उन्होंने 14 महीने पैसिफिक ओशियन में अपनी छोटी सी बोट में गुजारे। यह बहादुर मछुआरा अपने साथी के साथ समुद्र में मछली पकड़ने उतरा, पर एक खतरनाक तूफान और तेज हवा ने उनकी नाव को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया, जहां से निकल पाना बिल्कुल मुश्किल था। अब सर्वाइवल के लिए उनको कच्ची मछली, पक्षी, कछुए तक खाने पड़े, यहां तक कि प्यास बुझाने के लिए समुद्र का खारा पानी और कछुओं का खून पीना पड़ा। 4 महीने बाद उनके साथी ने फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लिया, पर सल्वाडोर ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 438 दिनों के संघर्ष के बाद उन्हें एक छोटा सा आइलैंड दिखा, जो कि उनके स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। फिर आखिरकार वो अपने घर पहुंचने में सफल हुए। तो दोस्तों, विश्वास और हिम्मत हो तो सब कुछ मुमकिन है।